हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आबू रोड के मानपुर क्षेत्र में सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज आबू रोड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता ज्ञापन देना चाह रहे थे, जिसको लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने लगे, जिस पर मौके पर अधिकारियों ने समझाइश की मगर कार्यकर्ता नहीं माने। मौके पर आरएसी और पुलिस का जाब्ता पहुंचा और उन्होंने हल्का बल प्रयोग करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस बस में भरकर आरोर से शिवगंज छोड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा राफेल घोटाले की जांच को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन उनको ज्ञापन जिला प्रशासन द्वारा नहीं देने दिया। उस बात को लेकर वो मानपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पर धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको वहां से खदेड़ा। वहीं पूर्व विधायक सहित सिरोही के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राजनेताओं को हिरासत में लिया। वहीं उनको सिरोही जिले से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। गृह मंत्री जी के आबू रोड आगमन पर राफेल घोटाले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर के हम ज्ञापन देना चाहते हैं। परसों ही इस संबंध में टेलीफोनिक सहमति दी थी कि यहाँ मानपुर चौराहे पर हम ज्ञापन दे सकेंगे। इसके बाद इनका क्यों मन बदला, किस लिए मन बदला? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ का प्रशासन हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से देश की जनता के जो 40 हजार करोड़ रुपए की डकैती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राफेल घोटाले के माध्यम से की है, हम उसकी जेपीसी जांच की मांग को लेकर के ज्ञापन देने के लिए यहां पर उपस्थित है और ज्ञापन माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहते हैं। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।